अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे 11 टिल 18। ठीक है, तो उसमें हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन 11 टू 14 में ये चार चीजें हमने फाइंड करनी है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ वाई, फंक्शन आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन भी कहते हैं और उसको हम एवरेज रेट इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फार्मूला है कि जो आपको पॉइंट्स गिवन हो, इस तरह हमने इस इंटरवल के ऊपर करना है, तो एंड पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और इनिशियल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, इनका डिफरेंस डिवाइड बाय द डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, तो जब हम ये निकाल लेते हैं तो ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज दे देता है जो भी फंक्शन आपको गिवन हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस वैल्यू के ऊपर, एक्स नॉट के ऊपर। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तो आप एक्स वन को या एक्स को, आप इसको एक्स वन भी लिख सकते हैं और एक्स भी, अगर आपको ये ना गिवन हो तो आप एक्स को जीरो को अप्रोच कराते हो, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू गिवन हो वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हो, ठीक है, और एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जब आप एक्स को जीरो को अप्रोच कराते हो तो ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देता है, या इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसी तरह अगर हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, अभी किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर था, ठीक है, अब अगर किसी आर्बिट्री पॉइंट के ऊपर हो, तब हम x या x1, जिस तरह हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, इसी तरह यहाँ पे x1 अप्रोच करेगा x0 को, या आप कह सकते हो कि x अप्रोच करेगा x0 को, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का ही फर्क है। तो आपके पास ये वाला फार्मूला है, इसको आप यूज करेंगे। और पार्ट डी में कह रहे हैं कि द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पार्ट ए इज द स्लोप ऑफ सर्टन सीकेंट लाइन, एंड द इंस्टेंटेनियस रेट इन पार्ट बी इज द स्लोप ऑफ सर्टन टेंजेंट लाइन, जो मैंने पहले बता दिया। आपने स्केच करना है ग्राफ ऑफ, इन दोनों का हमने ग्राफ स्केच करना है एक्चुअली, कि इससे जो चीज बनेगी, सॉरी पार्ट ए और पार्ट बी से जो चीज बनेगी वो हमने डिस्कस करनी है, उसको ग्राफ करना है। तो हमने सीकेंड लाइन का कहा था कि कोई ग्राफ है, उसके कोई से दो पॉइंट्स ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो सीकेंड लाइन होती है, और टेंजेंट लाइन होती है वो लाइन जो ग्राफ को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करे। ठीक है, तब हम इसको स्केच भी करेंगे। क्वेश्चन 11 में आपको फंक्शन दिया हुआ है y = 2x square, x नॉट भी दिया हुआ है, x1 भी दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन या एवरेज का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एवरेज रेट ऑफ चेंज f ऑफ x1, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। तब उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिए, x1 की जगह उसकी वैल्यू, x0 की जगह उसकी वैल्यू, x1 की जगह उसकी वैल्यू, x0 की जगह उसकी वैल्यू। अब आपने यहाँ से पहले ये चीज़ फाइंड करनी है, f ऑफ x1 मींस कि x की जगह पे आप 1 पुट कर देंगे। पहले तो आपके पास f ऑफ x क्या है, 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू, दिस मींस f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तब इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2, दे देंगे वो यहाँ पे 2 लिख दिया, माइनस फिर यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे जब 0 पुट कर देंगे तो 2 टाइम्स 0 स्क्वायर इज 0। तो यहाँ पे अगर आप 0 लिख दें या ना लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह 1 माइनस 0 इज 1, सो दैट गिव्स यू 2 डिवाइड बाय 1 इज 2। ठीक है, अब स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर था एक्स नॉट, एक्स वन अप्रोचेस टू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 0, वो पुट कर दिए, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे हमने एक्स नॉट लिखा था, ये देखिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जो हमें ऑलरेडी गिवन है वो क्या है, 0, तो वो पुट कर दिए, एक्स नॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिए, एक्स वन अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे एक्स वन पुट कर दो तो 2x1 स्क्वायर हो जाएगा जो कि यहाँ पे, और 0 पुट किया तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 0, तो वो 0 पुट कर दिया, एक्स वन अपनी जगह पे, एक्स नॉट की जगह उसकी वैल्यू की वैल्यू पूछे 0, तो ये एक स्क्वायर नीचे वाले फंक्शन के साथ कट जाएगा, एक्स के साथ
आपके पास 2x आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दें, सो द आंसर इज जीरो। अब यही चीज वो पर्टिकुलर थी, अब ये आर्बिट्रेरी के लिए है, तो हम x1 अप्रोचेस टू x0 करेंगे, उसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं, आर्बिट्ररी बात कर रहे हैं, तो इसीलिए x1 और x0, तो जब x1 पुट किया तो ये वैल्यू आई थी, जब x0 पुट करेंगे तो 2x0 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें ये चीज और ये फंक्शन की वैल्यूज, ये x1 और ये x0। अब इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x1 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या है x1 माइनस x0। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन प्लस एक्स नॉट, और नीचे भी हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स नॉट है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, इसीलिए आपके पास टू टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स नॉट आ जाएगा, टू टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स नॉट, अगर हम टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज आ जाएगी। अब x1 अप्रोचेस टू x0 मीन्स कि जहां जहां x1 है आप वहां पे x0 की वैल्यू, उसकी वैल्यू पुट कर दें x1 की, वो क्या है x0, इसकी जगह x0 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x0 प्लस 2 टाइम्स x0, लिमिट खत्म हो गई, आंसर इज 4 टाइम्स x0। तो दिस इज आर्बिट्ररी टेंजेंट। अब इसमें x0 को आप चेंज करते जाएं, आपके पास डिफरेंट टेंजेंट्स मिलते रहेंगे, x0 को अगर हम 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, x0 को अगर हम वन ले तो ये फोर हो जाएगा, एक्स नॉट को अगर हम माइनस टू लें तो ये क्या बन जाएगा माइनस एट, एंड सो ऑन, इसी तरह सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट डी में उन्होंने कहा कि सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन, सीकेंट और टेंजेंट लाइन उसको स्केच करें, ठीक है, तो फंक्शन चूंकि ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, Which is this one, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास सीकेंड लाइन क्या आई थी, स्लोप ये थी, स्लोप इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि जो लाइन बनेगी वो इस तरह की बनेगी, ठीक है, और इसके अलावा पॉइंट हमें गिवन है ये x नॉट और x वन, ठीक है, तो पॉइंट x वन एफ ऑफ x वन, जब हमने x1 पुट किया, x1 क्या 1 है, उसको फंक्शन के अंदर x1 की वैल्यू पुट कर दी तो आंसर क्या आया था 2, x1 की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर 2 आया, जब 0 पुट किया तो 0 आया, x0 और f ऑफ x0 इसकी ये वैल्यू आई थी, तो ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये 0 0, दूसरा क्या था 1 और 2, इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सीकेंड लाइन, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन जो है उसका क्या है, अगर आप देखें उसका स्लोप क्या है, जीरो, जीरो स्लोप का मतलब है कि वी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है तो लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। अब वो कहाँ पे आएगी, चूंकि एक्स नॉट, एक्स नॉट ये है विच इज जीरो, तो जीरो के ऊपर वो लाइन बनेगी, और जीरो के ऊपर लाइन पैरेलल लाइन कौन सी बनेगी, वही जो एक्स एक्सिस है, तो इसीलिए हमारी टेंजेंट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है द टेंजेंट लाइन इज द एक्स एक्सिस। इसी तरह 12 में भी हमने वही चीज की है, फार्मूला एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, उनकी वैल्यूज पुट कर दी है, आप ये चीजें बेशक यहाँ पे कैलकुलेट कर दें एक्स्ट्रा, एक्स की जगह हम जब x1 पुट करेंगे f ऑफ 2 और 2 का क्यूब 8, f ऑफ x0 जो है f ऑफ 1, 1 का क्यूब 1, तो सिंप्लीफाई कर दें 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इज 7, तो बाकी सिंप्लीफिकेशन आई होप दैट यू कैन डू इट। अब स्पेसिफिक x0 के ऊपर x0 की वैल्यू पुट कर दी है और x1 को एज इट इज रहने दिया है, फंक्शन f ऑफ x1 हमने ये ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है 1 है, वो पुट कर दिया, x0
सॉरी एफ ऑफ एक्स नॉट वन था, एफ एक्स नॉट इज वन. अब ये क्यूब का फॉर्मूला है तो एक्स वन क्यूब माइनस वन क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, बल्कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला है. तो ये फार्मूला इसके साथ, इसके लिए ओपन किया, एक्स वन माइनस वन इंटू एक्स वन का स्क्वायर प्लस ये एक्स टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, फिर एक्स वन ये और ये, इनकी मल्टीप्लिकेशन एक्स वन और वन का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक्स वन. भाई देखिए ये कैंसल आउट हो जाते हैं, आपके पास ये चीज़ रह जाती है, आप एक्स वन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, एक्स नॉट एक्स वन अप्रोच टू वन, तो ये वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर इज थ्री. अब स्पेसिफिक के लिए हमने कहा था कि एक्स वन अप्रोच टू एक्स नॉट, तो हर जगह एक्स वन और एक्स नॉट की जगह उसकी उनकी वैल्यूज पुट कर दें फंक्शन के अंदर. अब अगेन इसके ऊपर वही क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी. अब इसमें आपने एक्स वन की जगह पे एग्जैक्टली सेम ही है, यहाँ डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ एक्स नॉट है, यहाँ पे वन है, तो आप जहाँ जहाँ एक्स वन है वहाँ पे आप एक्स नॉट पुट कर दें, आपके पास थ्री टाइम्स एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा. अब इसमें जब आप एक्स नॉट चेंज करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. स्केच करने के लिए आपको पहले ये चीज़ स्केच करनी आनी चाहिए, क्यूब का ग्राफ, तो वो ऐसे बनता है, ठीक है. अब इसके ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है एक्स नॉट, तो आप इसको इसमें पुट कर दें, आपके पास पूरा पॉइंट आ जाएगा. जब एक्स नॉट पुट किया तो वाई क्या आया, वन. जब एक्स वन टू पुट किया तो वाई की वैल्यू आती है एट, वो आप इसमें पुट करके निकाल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं. तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड लाइन. और चूंकि एक्स नॉट के ऊपर वैल्यू ने पूछी है, ये हमारा एक्स नॉट है, ये एक्चुअली वन के ऊपर, तो यहाँ पे जो आप लाइन स्केच करते हैं जिसने सिर्फ इसी पॉइंट को टच करना है, सो दैट इज योर टेंजेंट लाइन, ठीक है. और अब ये टेंजेंट लाइन ऐसे क्यों है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसे बनेगी एक ही पॉइंट के ऊपर टच करती हुई. और सिर्फ इसको क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि हमने एक्स नॉट के ऊपर करनी है. अगेन ये फंक्शन है, एक्स नॉट गिवन है, एक्स वन गिवन है, आप वैल्यूज पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, सिर्फ एलसीएम लिया हुआ है, सॉल्व किया तो ये आ गया. अब सीकेंड लाइन का स्लोप इज नेगेटिव, टेंजेंट लाइन एक्स नॉट अप्रोचेस टू टू, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, अगेन इसका एलसीएम लिया हुआ है, तो ये टू एक्स वन नीचे आ गया, ऊपर टू माइनस एक्स वन आ गया. इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो एक्स वन माइनस टू आ जाएगा, जो कि नीचे भी है, तो नीचे वाले के साथ कट जाएगा, आपके पास माइनस वन ओवर टू एक्स वन आ गया. लिमिट अप्लाई कर दें, आंसर ही आ गया. अब ये भी नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव हमने डिस्कस किया था ये कैसे होता है, ठीक है. इसी तरह आर्बिट्ररी के लिए एक्स नॉट को एक्स नॉट ही रहने दें, एक्स वन को एक्स वन रहने दें, फंक्शन के अंदर सिंप्लीफाई कर दें, वही चीज़ कर दी जो हमने ऊपर कर दी. इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस टाइम्स ये आ गया. इसमें एक्स नॉट की जगह एक्स वन की जगह एक्स नॉट पुट कर दें, ठीक है, दी आंसर. प्लॉटिंग के लिए आपने क्या करना है, एक दफ़ा एक्स नॉट को इसके अंदर पुट करना है, एक पॉइंट आ जाएगा, फिर एक्स वन को पुट करना है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट आ जाएगा. ग्राफ के ऊपर उन दोनों पॉइंट्स को स्केच करो और उसको इसकी लाइन स्केच करो, दोनों को मिला इतने वाली लाइन क्या होगी, सेकंड लाइन होगी. और एक्स नॉट के ऊपर जो कि हमारे पास ये वाला है, उसके ऊपर जो लाइन बनेगी जो सिर्फ उसी ग्राफ को उसी पॉइंट पर टच करेगी, बाकी पर नहीं टच करेगी, वो हमारी टेंजेंट लाइन बन जाएगी. 14 में वन ओवर एक्स स्क्वायर है, एक्स नॉट गिवन है, एक्स वन गिवन है, आप वैल्यूज निकाल दें, फार्मूले के अंदर पुट कर दें. अगेन इसमें भी वही चीज़ की है, एलसीएम लिया हुआ है, ये चीज़ आ गई है वन. इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो एक्स वन स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा,
ये अगेन एक्स वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर आ गया, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स वन प्लस वन, एक्स वन माइनस वन। अब ये वाला माइनस इसके साथ कट जाएगा तो आपके पास ये चीज़ रह जाती है। अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें, अब नीचे वाले में डिफरेंस क्या है, सिर्फ वन की जगह पे एक्स नॉट आ गया, तो बाकी सेम प्रोसीजर है। एंड एट यू गेट दिस थिंग, जिसमें आपने एक्स वन की जगह पे एक्स नॉट पुट कर देना है एंड यू फाइंड द आंसर। वहीं एक दफ़ा एक्स नॉट पुट किया तो वाई की वैल्यू आ गई, एक्स वन पुट किया तो वाई की वैल्यू आ गई। ग्राफ आपको आना चाहिए वन ओवर एक्स स्क्वायर का, विच इज दिस ब्लैक लाइन, एक्सक्यूज मी। आपने दोनों पॉइंट पुट कर दिए, उनको मिलाया तो आपकी सीकेंड लाइन बन गई, और वन के ऊपर ये जो कि वन ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज योर सीकेंड लाइन। क्वेश्चन 15-18 में अगेन आपको कहा गया है कि आपने फार्मूला फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और इसी फार्मूले को यूज करना है टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फॉर द गिवन वैल्यू एट एक्स नॉट। ठीक है, तो अगेन फंक्शन आपको गिवन है, एक्स नॉट भी आपको गिवन है, फार्मूला क्या है, एक्स वन अप्रोचेस टू एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर दें, बेशक आप पहले x की जगह पे x1 पुट कर देते x1 का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, x0 पुट कर दे फंक्शन के अंदर x0 स्क्वायर माइनस वन, दोनों की वैल्यूज पुट कर दिए, ये माइनस एज इट इज। सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस वन माइनस x0 स्क्वायर प्लस वन, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये चीज़ आ गई। इसमें आप फार्मूला अप्लाई कर दें, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, तो माइनस वाला इसके साथ कट जाएगा, आपके पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी विच इज दिस वन। फिर आप लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपका जनरल फार्मूला बन गया। अब एक्स नॉट चूंकि गिवन है तो इस एक्स नॉट की जगह पे तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया टू एक्स नॉट। पार्ट बी में उन्होंने कहा हुआ है कि एक्स नॉट हमने आपको दे दिया है, ये आप इसके अंदर पुट कर दें एक्स नॉट की जगह पे यहाँ पे, तो हमें वैल्यू निकाल के दे। फंक्शन गिवन है, ठीक है, फार्मूला ये आप लिख दें, उसके बाद बेशक पहले आप ये निकाल लें, बेशक एक्स वन का स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स एक्स वन प्लस टू, फिर एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स एक्स नॉट प्लस टू। अब यही दोनों वैल्यूज हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो चीज़ें कैंसल्स आउट हो जाती हैं, थ्री कॉमन था इसमें से हमने वो ले लिया, ठीक है। अब ये एक्स वन, इसमें अगेन हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, बाकी ये फार्मूला अप्लाई हाँ कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस थ्री टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब देखिए इसमें भी एक्स नॉट है, ये वाला दोनों में कॉमन है, तो अगर इनमें से हम कॉमन ये ले लें एक्स वन माइनस एक्स नॉट, तो नीचे पीछे आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स नॉट प्लस थ्री, और नीचे जो एक्स वन माइनस एक्स नॉट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखें ये चीज़ रह गई है विच इज़ ऑलरेडी हेयर। आप वैल्यू पुट कर दें, लिमिटिंग वैल्यू, एक्स वन की जगह उसकी वैल्यू एक्स नॉट पुट कर दी यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया। अभी आपका जनरल है, पर्टिकुलर एक्स नॉट के लिए एक्स नॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी विच इज़ टू, तो ये आंसर आ गया। 17 में भी वही करना है, एक्स वन होगा तो यहाँ पे वन वन आ जाएगा, एक्स नॉट के लिए यहाँ पे नॉट आ जाएगा, हमने पुट कर दिया, इसको ओपन कर देंगे तो एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अगेन आप इसको अगर आपने इसको करना हो इनके जैसा करना हो, इसको हम लिख सकते हैं
ये चीज इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला है x1 माइनस x0 लिख दें, प्लस ये x1 और x0 ले लिया, और x1 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर, ये अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूं और ये नीचे वाले को ऐसे लिख दूं, तो अगेन इसके ऊपर अगर हम फार्मूला अप्लाई कर दें तो x1 माइनस x0 एक दफ़ा प्लस और x1 एक दफ़ा माइनस x0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको लिख दिया, इसको सिर्फ रीअरेंज किया। इसी तरह हम इसको भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसको भी लिख दूं कि स्क्वायर रूट वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूं फार्मूला, तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट वन माइनस एक दफा प्लस एक्स वन माइनस, और ये चीज एज इट इज आ गई, और ये नीचे वाला भी एज इट इज आ गया, एक्स वन प्लस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब इनमें से एक्स ये देखिए ये और ये कॉमन है जो कि इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो अगर हम x1 माइनस x0 कॉमन ले ले तो यहाँ पर रह जाएगा x1 प्लस x0 और प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 एंड डिवाइड बाय x1 प्लस x0 और x1 माइनस x0, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास चीज रह जाती है रूट एक्स वन प्लस रूट एक्स नॉट प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स वन प्लस एक्स नॉट, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें इस एग्जैक्टली द सेम थिंग, एक दफा इन्होंने ये चीज जो है डिनोमिनेटर वन के नीचे लिखा हुआ है तो ये आ गया, फिर प्लस इसी तरह हम इस चीज को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम स्प्लिट कर दें तो वन डिवाइडेड बाय x1 प्लस x0 प्लस, बल्कि पहले मैं अगर इसको लिख दूं x1 प्लस x0 इसके नीचे भी और 1 के नीचे भी, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल, एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1 रह जाएगा और प्लस ये चीज एज इट इज आ जाएगी विच इज हेयर। अब x1 की जगह उसकी लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दें, यहाँ पे x0 आ जाएगा तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये जनरल फार्मूला है, अगर आप उसके जगह x0 की वैल्यू पुट कर दें सो यू फाइंड दी पर्टिकुलर वन। तो ये आप देखें, ये एक हल्की सी ट्रिक है, आपने इसको समझ लेना है। इसको आप लिख दें x1 प्लस x1 माइनस x0 माइनस x0 स्क्वायर रूट के अंदर, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। और नीचे वाले को देखे मैंने x1 का होल x1 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस x0 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। इसके ऊपर अगेन इसको इस फॉर्मेट में लिखा, इसके ऊपर फिर अप्लाई किया तो वो इस फॉर्मेट में आ गया। देखें कॉमन चीज़ें हैं, कैंसिलेशन हो रही है, तो आपने इसको कैरी ऑन करना है। 18 में वन और स्क्वायर रूट एक्स है प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो अगेन फंक्शन फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दिए, इसका हमने एलसीएम ले लिया, एक्स नॉट एक्स वन इज द एलसीएम, यहाँ पे क्या आ गया एक्स नॉट माइनस यहाँ पे एक्स वन और डिवाइड बाय ये चीज़ एज इट इज। अब इसको जब नीचे लेके जाते हैं डिनोमिनेटर में तो वो यहाँ आ गया, ये एज इट इज आ गया और ऊपर वाला एज इट इज। अगेन हमने यही चीज़ इसके ऊपर भी करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वन स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, इसको तो इसको हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट एक्स वन प्लस
x naught square root x naught minus square root x naught. और देखिए ऊपर भी x naught इस तरफ है, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, या फिर इसको भी रहने दें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यह आ जाएगा x1 माइनस x0, ये चीज़ एज इट इज आएगी x0 x1, और इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ x1 प्लस x0 x1 माइनस x0। तो ये माइनस वाला इसके साथ कैंसिल, ऊपर माइनस रह गया और नीचे ये चीज़, ऊपर माइनस रह गया और नीचे एक्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे। अब आप लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दें, दिस इज़ योर आंसर, और उसके बाद आप x0 की वैल्यू पुट कर दें। थैंक यू।